पढ़िए। मैं जानती हूँ। ओहो, मैं तो इस घर के लोगों को समझ ही नहीं पा रही हूँ भाभी। मैं तो सिर्फ लोगों का दिल बहलाने के लिए तमाशा करती थी, फिर भी आप लोगों ने दिन रात लक्ष्मी नंदन को यही समझाने की कोशिश की कि मैं कितनी बच्चलन औरत हूँ, और अब घर की बेटी किसी लड़के के साथ रात बिता के आती है और आप लोग। किसी लड़के के साथ नहीं, अपने होने वाले पति के साथ। सरस इस शादी से मुकर जाए तो फिर तो आपकी बेटी अपवित्र ही कहलाएगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा और कुमुद का रिश्ता अटूट है। आपके लिए हम दोनों शादी के बाद पति पत्नी कहलाएंगे, पर हमारे लिए हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। एक दूसरे को अपने आप पर हक दे चुके हैं। कुमुद पवित्र है और हमेशा रहेगी। मॉम, पहली बार आपको ऐसा जवाब दे रहा हूं। कुमुद अब मेरी पत्नी है, उसकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती होगी, और इस बात का ध्यान आपको भी रखना होगा। मेरा और कुमुद का रिश्ता अटूट है। हम एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। एक दूसरे को अपने आप पर हक दे चुके कुमुद पवित्र है। और हमेशा रहेगी। आज तुम्हारी हर बात का मतलब समझ में आया। सुनो, सॉरी। झगड़ा करने के लिए या उस रात को भूल कहने के लिए? उस रात को भूल कहने के लिए जाने कौन से नियम लेकर बैठी थी। आज जिसने मेरे सम्मान के आगे हर रिश्ते को छोटा समझा, उसके और मेरे बीच कैसी सीमा, उसे तो बस मुझे समर्पित हो जाना है। नाराज क्यों हो गई थी मुझसे? तुम्हें मालूम है कितनी चोट पहुंची मुझे? तुम खुद ही कहती हो कि जहां प्यार होता है वहां विश्वास होता है। जब तुम मेरे प्यार पर विश्वास करती हो तो अपने दिल पर बोझ क्यों रख के बैठी थी तुम? कुमुद, उस रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारा प्यार एक कदम और आगे बढ़ गया है। और अब वो कदम कभी पीछे नहीं हटेगा।